Hello everyone, I am Riddhima. Welcome back to this channel Study Up. And so today we are gonna study about present simple tense. Okay, so we will see about present simple tense. Present simple means the daily habit, like what we do on a regular basis. मतलब कोई भी काम जो हम रिपीटेडली करते हैं, या फिर कोई काम होता है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है. ठीक है, डेली हैबिट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. जैसे मैं बोलूँ कि मैं मंदिर जाती हूँ, तो मैं मंदिर जाती हूँ मतलब कल भी जाऊँगी, परसों भी जाऊँगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं जाना छोड़ दूँगी. तो डेली हैबिट है तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा. अब क्या होता है कि जिसके भी लास्ट में ना ता, ते और ती, जिनके भी लास्ट में ये तीन आते हैं, ता, ते, ती, करता हूँ, जाता हूँ, खाती हूँ, जाते हैं, तो वो सब प्रेजेंट सिंपल में आ जाता है. मतलब वो डेली का हैबिट है, वो करते हैं उसको रेगुलर बेसिस पे. और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको भी सिंपल प्रेजेंट में माना जाता है. जैसे अब इसका देखो, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कि हम, वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ जहाँ के लिए, मतलब जहाँ जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हो रहा है बात. जैसे आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाती हूँ. अब इसमें जाती हूँ लास्ट में ती आया ना, मैं मार्केट जाती हूँ, मतलब मैं रेगुलर बेसिस पे जाती हूँ, वो काम मेरा रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाती हूँ, तो यहाँ पे ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा. अब जैसे वी स्पीक हिंदी, हम हिंदी बोलते हैं, इसमें भी लास्ट में ते आ रहा है, तो ते आ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस. दे वेक अप एट 6, वे 6 बजे उठते हैं. अब वेक अप एट 6, अब यहाँ पे ऐसा होता है, हमको ना कोई फिक्स टाइमिंग पता होती है ना कि इसी टाइम पे हो रहा है, तो वहाँ पे एट होता है. जैसे आई रीच माई ऑफिस एट 10. ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँगी करीब करीब इतने में, जब हमको फिक्स टाइमिंग नहीं पता होती ना, तब हम वहाँ पे अराउंड का यूज़ करते हैं. तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया. आई टेक ब्रेकफास्ट एट 10, मैं जो है 10 बजे नाश्ता कर लेती हूँ, तो उसमें भी लास्ट में टी आ रहा है, तो जिसमें भी लास्ट में ता, ते, ती आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. ओके, और एक और चीज़, जैसे जैसे अब रिपीटेड डेली हैबिट का हो गया. अब जैसे डेली हैबिट का कैसे हो जाता है, ही हेल्प्स हिज, वेट अ सेकेंड, फादर, वह अपने पिताजी की मदद करता है, करता है, लास्ट में ता आया ना, तो जिसके भी लास्ट में ता, ते, ती आता है, कोई काम रिपीट हो रहा है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर डेली की हैबिट है, वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं. ओके, जैसे ही हेल्प्स हिज फादर, वह अपने पिताजी की मदद करता है, वह मंदिर जाती है, वह पढ़ता है, हम मूवी देखते हैं, तो ये सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा. अब एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताई थी कि सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, किसी का भी नाम या फिर सिंगुलर, इनके साथ में एस और ई एस ऐड हो जाता है, और इनके साथ नहीं होता है, इनके साथ एस और ई एस नहीं लगते. ठीक है, पहले से प्लूरल है, कहाँ से लगेगा. अब जैसे यहाँ है, आई के साथ ई एस नहीं लग रखा, मैं तो ऐसे तो बोलूँगी नहीं, आई गोज टू मार्केट, बेकार भी लग रहा है सुनने में, नहीं लगता है. वी स्पीक हिंदी, वी स्पीक्स हिंदी नहीं बोलेंगे, प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस नहीं लगता है, दे के साथ भी नहीं लगेगा, आई के साथ भी नहीं लगेगा. ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये हमारा वेक है, वेक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ये इसका फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी वही है. अब देखो उसमें रूल नंबर 1, देखो मैंने तुम्हें बताया अभी कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड हो जाता है. ठीक है, ये शी, ही, इट, नेम या किसी का भी नेम, इनके साथ एस और ई एस ऐड हो जाता है, और आई, यू, वी, दे, इनके साथ में कभी भी नहीं लगता एस और ई एस. ठीक है, जैसे ये है, शी गोज टू मार्केट, शी आ गया,
अब शी के साथ यहाँ पे गो, ये वर्ब है हमारी, वर्ब के साथ हमने ई एस एड कर दिया। शी गोज टू मार्केट, वहाँ मार्केट जाती है। अब यहाँ पे शी की जगह अगर आए होता तो कैसे बोलते, आई गो टू मार्केट, दिख रहा है ना, आई गो टू मार्केट। अब देखो डिफरेंस देखो, ये शी है, ये आई है, वैसे तो सिंगुलर है ये भी, लेकिन नहीं करते यूज आई के साथ और यू के साथ, नहीं करते एस और ईएस का यूज। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाती हूँ। शी गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है। ही वेक्स अप एट फाइव, ये आ गया हमारा वर्ब, वेक हमारा वर्ब है, अब वर्ब उसके साथ एस, ही ये हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है, तो इसके साथ ही वेक्स अप एट फाइव, वह 5 बजे उठता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ एस ऐड हो जाएगा, ठीक है। वर्ब है ना, ये देखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज होगा, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर के साथ, ठीक है। आई वेक अप एट 7, हम देखो यहाँ पे आई का एग्जाम्पल आ गया, आई वेक अप एट 7, यहाँ पे आई वेक्स अप तो एट बोलेंगे नहीं, आई वेक्स अप एट 7, गंदा भी लग रहा है सुनने में, लग ही रहा है, मैं तो ऐसे ही याद करती थी, आई वेक अप एट 7, मैं 7 बजे उठती हूँ, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ नहीं लगता है, ठीक है। सीमा ईट्स फूड, अब यहाँ पे किसी का नाम आ गया, अब जिस किसी का नाम आ गया तो वो भी सिंगुलर तो है ही, अब इसको में भी हम एस का यूज़ करेंगे, जिस किसी का नेम आ जाता है, इट ही शी, इन सब के साथ में एस ऐड हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सीमा ईट्स फूड, वह खाना खाती है, खाती, इसमें भी लास्ट में त आ रहा है, ता ते ती जिसमें भी आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ऐसे ही शी इट के साथ और किसी के नाम के साथ एस ऐड होगा, यहाँ पे शी था, ही था, इनके साथ पे एस ऐड हुआ, यहाँ पे भी ऐड हुआ, ये सीमा है, सीमा किसी का नाम है, यहाँ पे भी एस ऐड हुआ, ठीक है। अब ये जैसे ये प्लूरल है, इनके साथ में एस और ई एस नहीं ऐड होते, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये है ई एस, किन किन के साथ में लगता है, सी एच डबल एस एस एच एक्स ओ, इनके लास्ट में ई एस लगते हैं, कहीं कहीं पर तो एस लगते हैं, जैसे ये है सिंपल, ठीक है, ईट्स। अब जैसे मैं बोलूँ ये है वेक्स, इसका भी एक एग्जांपल है। अब जैसे ये ई एस के साथ जहाँ पे लास्ट में किसी वर्ड का आगे सी एच है, जैसे मैंने बोला मैच, अब मैच में तुम इसको ऐसे तो बोलोगे नहीं, मैचेस मैच मतलब मैथ्स, ऐसे तो बोलोगे नहीं, मतलब नहीं लगता, नहीं सी एच के आगे एस नहीं लगता है, ई एस लगेगा, एम ए टी सी एच ई एस, यहाँ पे सी एच आ रहा है ना, जहाँ पे सी एच डबल एस एस एच एक्स और ओ आएगा, इनके आगे भी ई एस लगेगा, ये ई एस, ठीक है। क्लास, जैसे एस डबल एस का ऑप्शन हो जाएगा, जैसे क्लास, ठीक है, क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस, ठीक है। जैसे ये एक्स है, एक्स का क्या एग्जाम्पल जाएगा, जैसे फॉक्स बोल दिया मैंने, तो फॉक्स को कैसे बोलेंगे, फॉक्सेस, है ना। अब जैसे ओ है, ओ का तो एग्जाम्पल है यहाँ पे गो, गो के आगे ई एस लग गया, तो इन सब के आगे ई एस लग जाता है। अब जो सिंपल होते हैं, जिनके आगे ये सिंपल है, इनके आगे सिर्फ एस लगेगा, ओके। सो इनमें इतना आपको आ गया होगा। अब ये आपने बताना है सही करके कि इसमें गलतियाँ कहाँ हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसमें आपको बताने की इसमें गलती क्या है। अब जैसे शी गो टू मार्केट, वह मार्केट जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो ये सिंगुलर है, शी है, थर्ड पर्सन भी है। अब यहाँ पे गो गो, मैंने बोला कि जहाँ पे सिंगुलर आएगा, ही शी इट या फिर किसी का भी नाम आएगा, तो वहाँ पे एस या ई एस लगेगा। अब एक और चीज़, यहाँ पे एस लगाए कि ई एस लगाए, अब यहाँ पे ओ है, तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पे ओ आएगा उसके आगे तो ई एस लगेगा। शी गोज टू मार्केट, ठीक है, ही स्पीक हिंदी, यहाँ पे क्या गलत है, ही स्पीक हिंदी, यहाँ पे स्पीक के आगे एस लग जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यह हमारा क्या है सब्जेक्ट, यह हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही के साथ एस लगा दिया क्योंकि सिंगुलर के साथ लगता है। माय मदर कुक फूड, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माय मदर कुक्स फूड, यहाँ पे हम एस लगा देंगे, ये है ना हमारा, ये वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हमारा सिंगुलर भी हो गया, यहाँ पे कुक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काम हो रहा है,
मेरी मम्मी खाना बनाती है, मेरी बोल ही दिया मैंने, मेरी माँ खाना बनाती है, उसके लास्ट में भी ती आ रहा है ना, उसके लास्ट में ताते ती आता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपने एस और ईएस ऐड करना है वर्ब के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है नेगेटिव। अब हमको नेगेटिव में यूज करने हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे क्या लग जाएगा, डू डस लग जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पे डू डस का यूज करते हैं हम, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो सेम है सब्जेक्ट और ये, बस ये ऐड इतना पार्ट हमने ऐड करना है। कैसे, आई डोंट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, ठीक है। अब ये आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये डू और नॉट एक साथ ही है, डोंट मतलब डू नॉट ही होता है, आई डोंट गो टू मार्केट, ठीक है। अब आपको पता है कि आई के साथ ये आई वी यू दे के साथ में डू यूज होगा, एस और ईएस तो लगता नहीं है। अब ही शी इट के साथ ई एस यूज होगा, ठीक है, डज डी ओ ई एस डज। अब जैसे ये है शी डजंट डू हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क नहीं करती है, ठीक है। अब देखो हम ना जैसे हम अगर हम इसको हटा दें तो इसमें क्या गलत है, शी डज हर होमवर्क, वह अपना काम करती है, लेकिन अब यहाँ पे शी डजंट है, शी डजंट डू हर होमवर्क। तुम यहाँ पे इसके आगे ई एस नहीं लगा सकते कि शी डजंट डज हर होमवर्क, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में पहले से ई एस का यूज कर दिया है, मतलब एस या ई एस जो भी है उसका यूज हमने कर दिया है, इस सेंटेंस में दोबारा हम कहीं नहीं लगा सकते उसको, ठीक है। शी डजंट डू हर होमवर्क, बस यहाँ पे इसके साथ में दोबारा एस और ई एस नहीं लगेगा, इतना ही रहेगा। ये है दे डू नॉट वेक अप अर्ली, वे जल्दी नहीं उठते हैं। अब यहाँ पे दे है प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू आएगा, डू के साथ फिर नॉट आ जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ और होता कि मैं बोल दूँ जैसे ही लिख देती मैं ही, तब ही के साथ क्या आता, ही के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं, तो ही डजंट वेक अप अर्ली, ठीक है, ही डजंट वेक अप अर्ली, यहाँ पे हमने ई एस लगा दिया क्योंकि ये सिंगुलर है। अब ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ नहीं लगा, आई के साथ नहीं लगा। अब यू, यू के साथ कैसे लिखेंगे, यू जैसे मैंने बोला तुम मंदिर नहीं जाते हो तो कैसे बोलेंगे, यू डोंट गो टू टेम्पल, तुम मंदिर नहीं जाते हो, ठीक है। आर का एग्जाम्पल हो गया, यू का भी हो गया, दे का भी हो गया। अब वी जैसे मैंने बोला हम मूवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच मूवीज, हम मूवी नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू आया, डस तो आएगा नहीं, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, वी डज नॉट वॉच मूवीज, हम प्लूरल के साथ में नहीं यूज करते। अब ये ही शी इट आएगा, जहाँ पे भी ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, इसके साथ में ई एस यूज होगा, ठीक है। शी डजंट डू हर होमवर्क, वह अपना काम नहीं करती है, ओके। दे डू नॉट वेक अप अर्ली, प्लूरल के साथ में डू आएगा, शी के साथ में डज आएगा, और अगर एक बार हमने ई एस का यूज कर दिया तो दोबारा उस सेंटेंस में कहीं भी एस और ई एस नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे हमने नहीं लगाया क्योंकि नहीं लगेगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ओके, आ जाना चाहिए। अब देखो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चनिंग, हम सवाल कर रहे हैं किसी से। जैसे अब इसमें क्या होता है, इसमें डू डज हम पहले यूज करते हैं, पहले आ जाएगा ये डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अब इतना तो सेम है। अब ये हमको शुरू में यूज करना है, कैसे करना है, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो, डू यू, ये हमारा डू आ गया, यू आ गया, यू हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू मार्केट, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले लिख दिया, अब हमने यहाँ पे डू क्यों लगाया, डज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इनके साथ में आई यू वी और दे के साथ में हम डू लगाते हैं, डज नहीं लगाते, एस और यस नहीं लगाते, शी ही इट और नेम के साथ में ई एस लगता है, ठीक है। डू यू गो टू मार्केट, या फिर मैं बोलू डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो,
उनमें से तो कोई पढ़ता नहीं होगा। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो? नहीं पढ़ता होगा, ऐसी बात नहीं। जिनको पढ़ना है, जिनको पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ ले, ऐसा मेरे घर वाले बोलते थे। तो क्या, कहाँ पे थे हम? डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाती हो? डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो? तो यहाँ पे यू है, तो यू के साथ में हमने डू का यूज करा। हम ऐसे नहीं बोलेंगे डज यू गो टू मार्केट, नहीं बोलेंगे ऐसा, क्योंकि यू जो है यू के साथ में ऐसा यस नहीं लगता है, ठीक है। डज योर बोलने में भी और लगता है, जो मैं खुद भी बोलने में ज्यादा लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डज योर सिस्टर बाय क्लोथ्स फॉर यू? अब देखो सिस्टर है, ठीक है, वैसे तो ही शी इटिया नाम है नहीं, पर लेकिन थर्ड पर्सन, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। डज योर सिस्टर, क्या तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए कपड़े खरीदती है? अब यहाँ पे सिस्टर आ गया, तो यहाँ पे ES का यूज हो जाएगा, ठीक है। डज योर सिस्टर बाय क्लोथ्स फॉर यू? क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कपड़े खरीदती है? डू दे फाइट, क्या वे लड़ते हैं? अब यहाँ पे दे है, दे हमारा प्लूरल है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके साथ में हमने डू लगा दिया, क्योंकि प्लूरल के साथ में डू लगेगा, ठीक है, डज नहीं लगेगा, हम ऐसे नहीं बोलेंगे डज दे फाइट, गलत हो जाएगा। डू दे फाइट, क्या वे लड़ते हैं? अब जैसे मैंने बोला, अब क्या किस चीज का यूज करें? डू वी वॉच मूवीज? डू वी वॉच मूवीज, क्या हम मूवीज देखते हैं? अब देखो यहाँ पे वी है, वी हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ में डू का यूज रहेगा, इसमें ES नहीं लगेगा, ठीक है, ऑलरेडी प्लूरल है। अब जैसे मैंने ही शी इट लगा दिया, जैसे मैंने बोला क्या वह स्कूल जाती है, वैसे मैंने बोला डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है? देखो ये शी है, शी क्या है हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है एस और ES लगता है, तो यहाँ हमने डज लगा दिया, हमने डज लगा दिया तो यहाँ पे ES लग गया। अब इसके बाद दोबारा हम सेंटेंस में एस और ES का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे ये वर्ब है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में हम एस और ES नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है ये ES, ठीक है, दोबारा हम इसको यूज नहीं करेंगे। प्लूरल में, प्लूरल में तो वैसे भी नहीं आएगा। डू वी वॉच मूवीज, अब जैसे मैंने किसी का नाम ले लिया, जैसे सपोज मैंने बोला इशिता, ठीक है, डज इशिता, डज इशिता, डज सॉरी डज इशिता कुक फूड, क्या इशिता खाना बनाती है? ठीक है, तो वर्ब क्या है हमारी, ये है, हमने ये इशिता सिंगुलर है, नाम है किसी का, तो यहाँ पे भी एस ये ES डज का यूज हम करेंगे, ठीक है, और ये हमारी वर्ब है तो आपके साथ एस और ES नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव का। और एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे मैंने बोला डज ही प्ले फुटबॉल, दिख रहा है ये, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है? अब देखो ये ES हमने लगाया, क्यों? क्योंकि ही है, ही हमारा सिंगुलर है, प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ऐसा ES नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया है। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है? अब ये जैसे यू था, आई था, मैं आई जैसे मैंने बोला डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ती हूँ? डू आई स्टडी, आई के साथ भी हम डू लगाएंगे, डज आई स्टडी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, और आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये आपने बताना है, जैसे इसमें कुछ गलती है तो आपने बताना है कि इसमें गलत क्या है। जैसे मैंने कोई तुम्हें गलत सेंटेंस दे दिया कि जैसे डज यू गो टू स्कूल, अब इसमें गलत क्या है? गलत इसमें ये है कि यहाँ पे यू है, यू के साथ में क्या होता है, यू के साथ में ES नहीं लगता है, तो इसको तुमने ये बताने की गलत है। अब यहाँ पे सही क्या है? सही आ जाएगा डू, डू हमारा सही जाएगा। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? जैसे एक और सेंटेंस मैंने बोला शी कुक फूड, इसमें क्या गलत है? इसमें ये गलत है कि ये हमारा शी जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है,
वर्ब के साथ तो है, सॉरी यस लगना चाहिए था, सिंपल है ये, नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे लगना चाहिए था, यहाँ पे डज तो लगा नहीं है, डज तो कहीं पर यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जाएगा, यहाँ पे एस ऐड हो जाएगा, शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, ऐसे ही आपने यहाँ बताना है कि इसमें क्या चीज़ें गलत है, तब आपने सही करके बताना है, ठीक है, और आगे इसमें कुछ नहीं है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, जैसे इसमें था वी स्पीक हिंदी, अगर यहाँ पे स्पीक्स आ जाता, वेट, अगर यहाँ पे लिख देते हम कि वी स्पीक, सॉरी वी स्पीक्स हिंदी, अगर मैं ये बोल देती तो ये गलत हो जाता ना, क्यों, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, ये वो अपनी फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगा दिया, एस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने प्लूरल के हमने पढ़ा है कि प्लूरल के साथ में एस और यस नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं लग जाएगा, इसमें हम क्या बोलेंगे, वी स्पीक हिंदी, दैट्स इट, बस, आई गो टू मार्केट, हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई गोज टू मार्केट, अब उस स्लाइड में तुमने यही बताना है कि तुमने इसमें ये बताना है कि इसमें गलत क्या है, जैसे मैंने बोल दिया आई गोज टू, आई गोज टू ऑडिटोरियम, इसमें क्या गलत है, इसमें ये गलत है कि आई आई के साथ में एस और यस नहीं लगता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसका सही क्या बनेगा, आई गो टू ऑडिटोरियम, ठीक है, ऐसे ही आपने इसमें बताना है कि सही कहाँ पर है गलत कहाँ पर है। सो दिस वाज ऑल, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।